लड्डू जलेबी गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मैं अपनी गाड़ी में बैठी हूँ इसका मतलब है कि मैं बाहर ही हूँ कहीं राइट आज मैं आ चुकी हूँ फ्रेशको में फ्रेशको एक ग्रॉसरी स्टोर है कनाडा में एंड जहाँ थोड़ी सी सस्ती ग्रॉसरी मिलती है आपको पता है मैं फोर्टिनो से ग्रोसरी करती हूँ लास्ट वीडियो मैंने फोर्टीनो की डाली थी मोस्टली मैं वहां से ग्रोसरी करती हूँ क्योंकि वहां से मुझे सब कुछ मिल जाता है सो एनी सो आज मैं आपको फ्रेश को लेकर जाऊंगी वहां देखते हैं कि मुझे सारा कुछ मिलता है एंड ग्रोसरी सस्ती है फोर्टीनो से कैसी है सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी एंड कौन कौन सी चीजें मिलती हैं वो तो अंदर जाकर पता चलेगा चलो चलते हैं एंड बाद में मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर ही मुझे जहाँ पसंद नहीं है जा आपको कॉइन डालकर जहाँ फिर आपको निकालनी पड़ती है कार्ड। so like. फ्रेशको में आपको हर की तरह की इंडियन वेजिटेबल कटी हुई पैक की हुई मिल जाती है एंड मील प्लान करना इसे इजी हो जाता है जो ढूंढ ढूंढ़ कर जहाँ स्ट्रॉबेरीज लेनी पड़ती है क्योंकि जे हमेशा ऐसे बॉक्सेस में रखते हैं इनको एयर लगनी चाहिए अगर एयर नहीं लगती तो मोल्ड बन जाती है सो so, सारे तरह की वेजिटेबल्स मिल जाती हैं सस्ती होती है अब प्राइस भी साथ साथ में देख सकते हो एंड अब मैं फ्रेश प्रोड्यूस लूँगी जहाँ से आपको धनिया मेथी जो भी इंडियन स्टोर से मिलता है ना वो सारा कुछ यहाँ से मिल जाता है साग रूपिनी, सो so, मेरी ग्रोसरी में फ्रेश प्रोड्यूस मेन होता है सो so, अगर फ्रेश प्रोड्यूस मुझे अच्छे से मिल जाए तो मैं खुश हो जाती हूँ बट जहाँ मुझे ढूंढ-ढूंढ कर चीज़ें लेनी पड़ती हैं इनकी जो पैकेजिंग में चीज़ें हैं वो अच्छी हैं आप देख सकते हो सो so, मैंने फिर पैकेट ही ले लिया एंड uh, आपको वराइटी ऑफ फ़्रूट्स वेजिटेबल्स जहाँ से मिल जाते हैं जैसे आपको इंडियन स्टोर में जाना नहीं पड़ता फ्रेश प्रोड्यूस के साथ यहाँ से आप ओरिजिनल, रियल प्लांट्स खरीद सकते हो प्राइस में बहुत कम होते हैं अदर स्टोर से जहाँ से आपको हर तरह के अनियंस मिल जाते हैं स्पेशली जो एशियन आटे होते हैं बहुत वराइटी ऑफ आटे आपको फ्रेश को से मिल जाते हैं शॉर्टली आपके साथ शेयर करती हूँ फर्स्ट मैं पिक करूँगी सम फ्रेश ब्रेड, जे भी वराइटी ऑफ फ्रेश ब्रेड, एंड सम डिजर्ट्स जहाँ से मिल जाती हैं लाइक like मफिन्स एंड फ्रीज़र में भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जी है एप्पल पाई मुझे बाहर की एप्पल पाई पसंद नहीं बट मैं इसे ट्राई करूँगी क्योंकि मैं खुद की एप्पल पाई घर में बनाती हूँ अगर वीडियो देखना चाहते हो फ्रेश एप्पल पाई घर में कैसे बनती है तो वीडियो आप बनाना चाहना ब्रेड डन हो चुके हैं अब मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ जो हम इंडियंस लाइक करते हैं स्पेशली एंड जे है बेसन एंड ऐसे पैक किया हुआ सारा कुछ आता है जे है शक्करपाड़े आप क्या बोलते हैं ऐसे मुझे ज़रूर बताना जे है बदाना एंड बूंदी एंड सम लाइक नमकीन मटरी लड्डू जलेबी ऐसी बहुत सारी चीज़ें गाइस यहाँ पैक की हुई आपको मिल जाती है एंड ये कुछ आटे देख सकते हो प्राइस भी साथ साथ में देख सकते हो जहाँ से आपको फ्रेश बटर मिल्क सारा कुछ मिल जाता है बट आलमंड मिल्क में इतनी वाइटी नहीं है जैसे मैं फर्टिनो में आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ एंड नाउ मैं लूँगी चीज़ चीज़ हमेशा यहाँ सस्ती लगी होती है सो so मैं बहुत सारी उठा लूँगी कि मुझे फर्टिनो से कम लेनी पड़े क्योंकि फर्टिनो में कभी कभी लगती है सेल पर सो so यहाँ से मटका कुल्फ़ी भी आपको मिल जाती है एंड इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं लाइक मैंगो पिस्ता एंड ऐसी लाइक ये जो होती है ना मटकी बड़ी क्यूट लगती है अब मैं आपको आयल्स में लेकर जाऊंगी जहां से आपको हर तरह की इंटरनेशनल ग्रॉसरी मिल जाती हैं इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आयल्स बनाए हुए हैं सो so, इसमें आपको सारे तरह की इंटरनेशनल ग्रॉसरी मिल जाएगी आप देख सकते हो दालें मसाले हर एक चीज़ यहाँ से आपको मिल जाती है सो so, इसलिए मैं कम जाती हूँ इंडियन स्टोर में क्योंकि फ्रेशको में ही आपको हर एक तरह की इंडियन ग्रॉसरी मिल जाती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आटा जो हम यूज़ करते हैं रोटी के लिए देसी घी एंड ये सारे मसाले सारा कुछ यहाँ से मिल जाता है एशियन स्टाइल जो राइस होते हैं बासमती राइस एंड सारे तरह के इंडियन स्नैक्स कुकीज़ बिस्किट्स जो हम यूज़ करते हैं वो सारा कुछ यहाँ से मिल जाता है इन इंटरनेशनल आयल में फ्रेश फ़ूड के साथ आपको यहाँ से कैन फूड भी मिल जाता है एंड चाइनीज़ फ़ूड लाइक न्यूडल्स सोया सॉस सारी चीज़ें जहाँ से आपको मिल जाती हैं एंड हर्ब्स हर्ब्स मैं जहाँ से हमेशा लेती हूँ इसलिए मैं स्पेशली आई हूँ जहाँ से मेरी हर्ब्स ख़त्म हो चुकी थी एंड कुछ हर्ब्स उठाऊँगी से आप बेक करने के लिए चीज़ें भी ले सकते हो एंड बर्तन भी जहाँ से मिल जाते हैं एंड ये स्पाइस रह के आप मुझसे पूछते हो कि मैंने कहाँ से लिया मैंने तो एशियन स्टोर से लिया था बट आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो बट ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा है अगर छोटा देखना चाहते हो तो जरूर देखना सो so ऐसे भी इंडियन स्टाइल जो बर्तन होते हैं जहाँ से मिल जाते हैं नाउ मेरी ग्रॉसरी हो गई है डन और इट गाइज आई एम डन मेरी ग्रोसरी हो गई है बट उतना कुछ नहीं मिला मैं पहले लाइक फ्यू मंथ्स पहले क्या करती थी हाफ ऑफ ग्रोसरी करती थी हाफ फर्टीनो से कर ली हाफ को से कर ली क्योंकि कभी भी मुझे को से कभी कुछ पूरा मिला नहीं आज भी ऐसा ही है बट मैं फर्टीनो नहीं जाऊंगी अब नेक्स्ट वीक फुली ग्रोसरी फोटीनो में करूंगी सो वो वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी एंड दिखाती हूँ घर जाकर मुझे एक्चुअली क्या मिला है फ्रेशको से सो so, चलो चलते हैं घर वहाँ से मैं टिश्यू बॉक्सेस लेकर आई हूँ जो काफ़ी चीप लगे हुए थे देसी स्टाइल आटा एंड रेड अनियन एंड चीज लेकर आई हूँ बहुत सारी मैं गर्मी ही पिज्ज़ा बनाती हूँ अगर मेरी सीक्रेट रेसिपी जानना चाहते हो तो वीडियो अपाना चैनल इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ कि अगर मेल्ट हो जाएगी आज बाहर बहुत गर्मी थी ये लेकर आई हूँ ऑल परपज फ्लावर एंड और ऑरेंज जूस ये सस्ता मिल जाता है बट प्रोटीनों में महंगा होता है एंड पीचेज फ्रेश प्रोड्यूस में बनाना फेयर किड्स की स्नैक्स एंड ये एप्पल पाई मेरी एप्पल पाई जरूर ट्राई करना लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स टन बलो ये ग्लूटेन फ्री औरियो कुकी एंड हर्ब्स हर्ब्स के लिए मैं स्पेशल गई थी बट इस लेड के ऊपर होल्स नहीं है इसका लेड चेंज करना पड़ेगा औरग्नो एंड फॉर्सलेन थ्री चीज़ वेंच एंड अल्फ्राडो सॉस इतनी व्राइटी नहीं है मुझे ये ही मिली है मैं थ्री चीज़ यूज़ करती हूँ मैंने लिए हैं कुछ सिनमिन रोल करसौ बर्न एंड हॉट डॉग बर्नस एंड आई गॉट सम क्यूकम्बर्स मशरूम स्ट्रॉबेरीज एंड चेरी के यूस पाउचे सो इतनी ही ग्रॉसरी मिली है और बाकी मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगा एंड मैंने नहीं लिया अब बैग रख देते हैं बैग और नेक्स्ट ग्रॉसरी ये सारी ग्रॉसरी मुझे वन हंड्रेड नाइन्टी टू डॉलर की मिली है जी ऑर्गेनाइजर मैंने नया ऐड किया है जे मैंने होम सेंस से लिया था जे मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया जब मैंने ऑर्गेनाइज की थी अपनी पैनिट्री सो जे नई चीज़ मैंने ऐड कर दिया आप ऐसे कर सकते हो अगर जूस पाउचेस रखना चाहते हो सो इसकी वीडियो जरूर देख अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी गोभी का पराठा कैसे बना सकते हो एक ही पेड़े में क्या होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं ना उनसे पराठा टूटता रहता है अभी आपसे पराठा नहीं टूटेगा आप ऐसे ही एक पेड़े में पराठा बना सकते हो मूली गाजर जो भी यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो सो so, चलो मैं बताती हूँ अपना सीक्रेट इसमें मैंने एक्चुअली गोभी ब्रोकली अनियन एंड धनिया सभी को मैंने थोड़ा सा ऐसे पका लेना है लाइक स्टोव पे पैन पे उसका जो वाटर होता है ना थोड़ा ड्राई हो जाता है बस ऐसे जल्दी जल्दी इसको पका लेना है एंड फिर इसको ठंडा होने को रख देना है जब तो आप सब्जियों को ग्रेट करते हो तो उसमें बहुत वाटर होता है वाटर को आप ऐसे सुखा सकते हो एंड फिर उसे ठंडा होने को रखते हैं जब तो वो ठंडा हो जाता है फिर मैं उसमें स्पाइसेस ऐड कर लेती हूँ आप अपनी चॉइस ऑफ स्पाइसेस ऐड कर सकते हो जिया मेथी सॉल्ट चिली सो so नाउ मैं एक पेड़ा बनाऊंगी थोड़ा सा बड़ा पेड़ा होना चाहिए फिर उसको थोड़ा सा बेलना है ऐसे फिर उसमें आप स्टफिंग कर सकते हो अपनी चॉइस ऑफ वेजिटेबल ले सकते हो मैंने गोभी एंड ब्रोकली यूज़ की है आप मूली को भी ऐसे कर सकते हो उसका वाटर पहले स्क्वीज़ करके फिर उसे ऐसे यूज़ कर सकते हो बस फिर आपको ऐसे उसको रैप कर लेना है ऑल टुगेदर पेड़े को जो स्टफ़िंग की है अच्छे से सुनाओ so फिर इसको ऐसे थोड़ा हाथ से मैंने फ्लैट कर लिया था एंड फिर उसे लाइट लाइट लाइक बेलना है बेलन से अगर आपको लगता है कहीं से चिपक रहा है थोड़ा सा आप डस्टिंग कर सकते हो जो होता है ड्राई फ्लावर सो so, ऐसे बन जाता है पराठा अब हम इसे सेकेंगे देन इंजॉय करेंगे हमारा गोभी ब्रोकली पराठा आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड अब मैं मिलूंगी आपको अनदर कमिंग वीडियो में अंडर देन टेक केयर गाइज लव यू एंड बाय गाइज़